ये कहानी एक ऐसी टीचर के ऊपर आधारित है जो अपने ही स्टूडेंट का औजार अपने अंदर लेना चाहती है और इस काम को वो अपने पति से छुपाकर कैसे अंजाम देती है, ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी स्टार्ट होते है और हमें बिकनी में एक चिकनी सी लेडी दिखाई देती है और इस लेडी का नाम होता है डायन स्टीवन। डायन स्टीवन एक टीचर होती है जो कि इसी यॉट में रहती है। मिसेस स्टीवन एक बार अपने स्टूडेंट से कहती है, मुझे तुमसे कुछ काम है, और इस स्टूडेंट का नाम होता है जे। जे एक बहुत ही मेहनती लड़का होता है और इसकी मेहनत आपको मूवी में आगे दिखेगी। ये लड़की जिसका नाम होता है सिंथिया, सिंथिया जे की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और दोबारा से जे से मेहनत करवाना चाहती है और जे से पूछती है, आज मेरे घर पे पढ़ने चलोगे क्या, लेकिन जे सिंथिया को मना कर देता है। तभी जे का दोस्त जिसका नाम होता है बर्ड, वो सिंथिया से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर सिंथिया बर्ड को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। दरअसल बर्ड को कोई भी भाव नहीं देती है। जे बर्ड के साथ रहता है उसी के घर में और उसको रेंट पे करता है और अपना खर्चा चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम भी करता है। मिसेस स्टीवन जे को अपनी यार्ड की पुताई के लिए बुलाती है और असली मकसद पुताई नहीं कुछ और होता है। यहाँ पर जे यॉट की पुताई कर रहा होता है और ऊपर मिसेस स्टीवन बिकनी पहनकर धूप सेक रही होती है। अब धूप की सिकाई के बाद मिसेस स्टीवन नीचे आकर जे से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हो, अब तुम अंदर आके मेरे साथ ड्रिंक पी लो। जे मिसेस स्टीवन को मना नहीं कर पाता। अब जब जे अंदर जाता है तब मिसेस स्टीवन उससे कहती है, आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, पर ये सुनकर जे एकदम से घबरा जाता है और मिसेस स्टीवन को मना कर देता है। लेकिन मिसेस स्टीवन ने आज मन बना लिया है कि जे का झुंझुना लेकर ही रहूंगी और वो जे से कहती है कि मेरे बेडरूम में भी तुम्हें पुताई करनी है, तुम जरा आकर देख लो। पर जे मिसेस स्टीवन के बेडरूम में आने से संकोच करता है क्योंकि वो मिसेस स्टीवन के इरादे भाप चुका होता है। मिसेस स्टीवन उससे कहती है कि टेबल उठाने में मेरी हेल्प करो, पर जे जैसे ही वो टेबल उठाता है मिसेस स्टीवन उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे जे पीछे हो जाता है। मिसेस स्टीवन उससे कहती है कि तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या। तब जे उनसे कहता है कि हां बिल्कुल करता हूं, पर जे समझता है कि ये मुझे एज अ टीचर पूछ रही है, लेकिन ये टीचर जे को आज कोई और ही चैप्टर पढ़ाने वाली है। वो जे से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे किस करो, पर जे नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह उसे गाल पर किस करता है। तब मिसेस स्टीवन उसे सिखाती है कि किस कैसे करी जाती है, पर जे दोबारा घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर मिसेस स्टीवन उसे रोककर बेड पे पटक देती है और उसका कच्छा उतार के जे के झुंझुने से मजे लेने लगती है। तब जे उससे पूछता है कि ऐसे तुमने अपनी प्यास कितने स्टूडेंट से बुझाई है। तब मिसेस स्टीवन उससे कहती है कि तुम पहले हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे मन से अपने टीचर की प्यास बुझाता है। अगले सीन में जे अपने टीचर को बताता है कि उसको $300 की जरूरत है। तब मिसेस स्टीवन उससे कहती है कि ये पैसा मैं तुम्हें दूंगी, पर बदले में तुमको मेरे एक काम करना होगा, पर ये काम क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में मिसेस स्टीवन अपने हस्बैंड जिसका नाम होता है माइकल, माइकल उसी कॉलेज में प्रोफेसर होता है जहाँ पे मिसेस स्टीवन पढ़ाती है। मिसेस स्टीवन जे के बारे में उसे सब कुछ बताती है कि वो हमारे काम के लिए मान गया है, और यहाँ पे हमें पता चलता है मिसेस स्टीवन और माइकल ने जान के जे को मिलाया है ताकि वो जे से अपना काम करवा सके। पर माइकल मिसेस स्टीवन से कहता है कि अभी इतनी जल्दी हम जे पे भरोसा नहीं कर सकते, पर मिसेस स्टीवन को काफी ज्यादा जल्दी होती है। दरअसल मिसेस स्टीवन और माइकल की शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, पर माइकल की माँ और दादी उसे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देना चाहती और ये लोग उनके निपटने का इंतजार भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता मिसेस स्टीवन के अनमोल रत्न और माइकल के हथियार में जंग न लग जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि जे उनके लिए माइकल की माँ और दादी माँ के घर से चोरी करे, पर जे उस दिन इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है और अगले दिन मिसेस स्टीवन को साफ मना कर देता है। तभी मिसेस स्टीवन उसे एक कविता सुनाती है कि अगर ये काम कर दोगे तुम मेरा तो मैं हो जाऊंगी बहुत ज्यादा खुश, और इसी खुशी में मैं तुमको दूंगी बहुत कुछ। स्कूल के बाद यार्ड में मिलूंगी तुमसे रोज और वहीं पे हम दोनों दबा के करेंगे घपाघप। अब ये सुनने के बाद जे मिसेस स्टीवन को कैसे मना करता, और तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और वो भी जे को कन्विंस करने लगता है। वो जे को बताता है कि उस घर में दो बुढ़िया और एक माली है और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर माइकल उन दोनों बुढ़िया के प्रिय कुत्ते के बारे में जानकारी जे को बिल्कुल भी नहीं देता और यही कुत्ता जे की एल लगाने वाला है। यहाँ पे ये खतरनाक दिखने वाली बुढ़िया का चक्कर अपने माली से चल रहा होता है और इन दोनों के चक्कर की वजह से मूवी में काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। अब जे उस घर में चोरी से घुस जाता है और अपना काम शुरू कर देता है, पर उससे गलती से वहाँ पे एक मूर्ति गिर जाती है जिसके बाद उसकी एल लगाने वाला कुत्ता उसकी आहट को महसूस कर लेता है और भौंकने लगता है, और ये कुत्ता जे को ढूंढ लेता है और वो खतरनाक दिखने वाली बुढ़िया जे को देख लेती है और अपनी अलमारी से कार 98 निकाल कर जे के पीछे पड़ जाती है, पर जे उसके निशानों से बचता हुआ भाग जाता है। अब ये बुढ़िया पुलिस को फोन लगाती है और तभी वहाँ पर एक अननोन आदमी जो कि काले भूत की तरह दिखता है वो कार 98 से इन दोनों बुढ़िया को मार देता है। अब जे माइकल और मिसेस स्टीवन पे चढ़ जाता है कि तुम लोग ने नहीं बताया कि उस घर में कार 98 भी है और वो बुढ़िया उसे चलाना भी जानती है। अब माइकल जे के साथ अपने घर में जाता है और वहाँ पे उसको अपनी माँ और दादी माँ नहीं दिखती और उसको वहाँ पे खून के निशान दिखते हैं। अब इसको देख के वो जे
पे शक करने लगता है, पर जे इस बात से साफ इनकार कर देता है। तब माइकल उसे पुलिस की धमकी देता है, तो जे खुद ही पुलिस को फोन लगाने लगता है। तभी मिसेस स्टीवन उसे रोक लेती है। अब अगले सीन में मिसेस स्टीवन जे को अपनी याद की चावी देती है और उसे कहती है कि तुम जब चाहो तब अपनी प्यास बुझाने मेरे पास आ सकते हो। और ये सुनने के बाद जे तुरंत यार्ड में पहुंच जाता है और ये दोनों मिलके वहां पे जम के घपाघप करते हैं। अब माइकल को मिसेस स्टीवन पे शक होता है और वो मिसेस स्टीवन से कहता है कि मुझे सब मालूम है कि तुम कहां पे मुंह काला कर रही हो, आखिर जे के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब मिसेस स्टीवन उससे कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूं ताकि जे पुलिस को फोन ना लगाए। पर माइकल गुस्से में जे के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी के पास गए तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़ा दूंगा क्योंकि मेरे घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। और इसी डर से जे अगले दिन माइकल के घर पे पहुंच जाता है वो फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए, और तभी वो काला भूत जे पर हमला कर देता है, पर जे वहां से बचकर भाग जाता है। जे को लगता है कि वो माइकल था। वो ये सब मिसेस स्टीवन को बताता है, पर मिसेस स्टीवन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। माइकल के साथ साथ सिंधिया को भी जे और मिसेस स्टीवन पर शक होता है और वो इसी बारे में बात करने के लिए माइकल के घर जाती है, पर माइकल वहां पर नहीं होता। लेकिन वहां पर वो काला भूत होता है और वो सिंधिया को भी मार देता है। अब अगले सीन में माइकल और मिसेस स्टीवन का झगड़ा हो जाता है। माइकल मिसेस स्टीवन से कहता है कि तुम सिर्फ पैसों के लालची हो, पर मिसेस स्टीवन एक और चीज की भी लालची होती है और वो इसी चीज को लेने के लिए जे के घर पहुंच जाती है। और ये दोनों वहां पर दबा के घपाघप करते हैं। इनका घपाघप इतना खतरनाक होता है कि मिसेस स्टीवन की चीखें माइकल तक पहुंच जाती है और वो मिसेस स्टीवन को ढूंढते हुए जे के घर पर पहुंच जाता है, पर मिसेस स्टीवन वहां पर छुप जाती है और माइकल उसको नहीं ढूंढ पाता। फिर माइकल वहां से चला जाता है। अब माइकल के जाने के बाद मिसेस स्टीवन और जे यार्ड पर चले जाते हैं और फिर से पलंग तोड़ने का आनंद लेने लगते हैं, पर माइकल वहां पर भी पहुंच जाता है और इस बार दोनों को वहां पर ऐसी अवस्था में देख लेता है जिसके बाद उसके दिमाग की व्यवस्था बिगड़ जाती है और वो रोने लगता है। और तभी वहां पर वो काला भूत आ जाता है और माइकल को चाकू मारकर भाग जाता है, जिसके बाद जे और मिसेस स्टीवन उसका पीछा करते हैं और वो माइकल के घर में छुप जाता है। अब यहां पे वो काले भूत से घर का मालिक पूछता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और यहां पे हमको पता लगता है कि ये काला भूत वो बूढ़ी औरत और इस माली का बीज है। माली उसे पूछता है कि तुमने अपनी मदर को क्यों मारा, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर करने वाली थी। इस बात पे वो काले मांस वाला भूत उसे कहता है कि पैसे का मैं क्या करूंगा, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। और वो गुस्से में आकर अपने माली पापा की भी कब्र खोद देता है। अब यहां पर ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां भी ये काले भूत का सचिन दोनों को पता चल जाता है और ये लोग उसको ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते इनको वो सभी लोग की डेड बॉडी और एल लगाने वाला कुत्ता भी मिलता है और वो काले मांस वाला भूत इन दोनों को वहीं पर लॉक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों खिड़की से भागने लगते हैं। और वो जैसे ही खिड़की से भाग रहे होते हैं तो तभी वो काले मांस वाला भूत इन दोनों पर अटैक कर देता है, पर जे कार 98 से उसकी पेटी बना देता है और इस काले भूत का वहीं पर ही राम नाम सत्य हो जाता है। और मांस हटाने पे पता लगता है कि ये भूत और कोई नहीं बल्कि जे का दोस्त बर्ड था। अब पूरा पैसा और प्रॉपर्टी मिल जाती है मिसेस स्टीवन को, जैसा कि वो शुरू से चाहती थी, और वो जे के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए हवाई चली जाती है। और बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।